गाइस अगर आप Xiaomi का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसके अंदर एक फीचर आता है जो कि है बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड और सेव बैटरी मोड। तो गाइस अगर आपको इस फीचर को इनेबल करना है तो वीडियो को पूरा देखना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और गाइस अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस यहाँ पर जो बैलेंस मोड, परफॉर्मेंस मोड और जो बैटरी सेव मोड है इसको इनेबल करने के लिए आपका जो फ़ोन है वो MIUI 12.5 एनहांस पे जो है अपडेटेड होना चाहिए, यानी कि जो है MIUI 12 पे जो ये रन नहीं करेगा, और MIUI 11 तो काफ़ी दूर की बात है। तो यहाँ पर आपका जो फ़ोन है MIUI 12.5 में जो है अपडेटेड होना चाहिए। और गाइस यहाँ पर जो इस फीचर को आप शॉर्टली जो है नोटिफिकेशन पैनल से भी इनेबल कर पाओगे अगर आप इस फीचर को अगर इनेबल कर देते हो तो। चलिए बताता हूँ आपको कैसे जो है इसको यूज़ करना है, कैसे आपको इनेबल करना है। गाइस इस फीचर को इनेबल करने के लिए सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपके फ़ोन में कौन सा अपडेट आया है। अगर आपके फ़ोन में कोई न्यू अपडेट आया है तो उसको जो है सबसे पहले तो अपडेट कर लेना है। एंड ऑलमोस्ट काफ़ी सारे फ़ोन्स के अंदर जो है MIUI 12.5 जो अपडेट आ चुका है, तो यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है MIUI 12.5 को लेकर। तो फिलहाल मेरे पास है पोको का M2 Pro और इसके अंदर जो है MIUI 12.5 एनहांस का जो अपडेट वो ऑलरेडी आ चुका है, और ऑलरेडी इसके अंदर जो फीचर इनेबल कर दिया गया है Xiaomi की ओर से। तो यहाँ पर जो देख सकते हो तो फ़ोन अपडेटेड है पोको M2 Pro MIUI 12.5.3.0 आपको जो है वर्जन देखने को मिलता है, ये एंड्रॉयड 11 पे है। दूसरी जो चीज़ है गाइस वो है आपको चेक करना है अपना सिस्टम ऐप अपडेटर। यहाँ पर अगर आपको अपने सिक्योरिटी ऐप का कोई नया अपडेट देखने को मिला तो सबसे पहले जो है उसको अपडेट कर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो तो फिलहाल जो है मेरे फ़ोन में अपडेट शो नहीं हो रहा है, मैंने जो है ऑलरेडी सिक्योरिटी ऐप को जो है अपडेट कर दिया है। तो यहाँ पर जो है आप इनेबल कर सकते हो। ऐप्स में जाना है आपको, मैनेज ऐप्स में जाना है, यहाँ पर जाके आपको जो है 3 डॉट में क्लिक करना है, यहाँ पर आपको शो ऑल ऐप्स में क्लिक करना है, और यहाँ पर गाइस आपको सर्च करना है बैटरी एंड परफॉर्मेंस। तो इस ऐप को सर्च करना है और इस ऐप का जो आपको क्लियर कैश क्लियर डेटा कर देना है। तो जिन्होंने अभी नया अपडेट किया होता है MIUI 12.5 एनहांस, तो यहाँ पर जो उनको जो है फीचर इनेबल करने के लिए इस ऐप का क्लियर डेटा करना पड़ता है। तो नॉर्मली आपको इस ऐप का जो है क्लियर डेटा कर देना है। उसके बाद गाइस आपको जाना होगा सिक्योरिटी ऐप के ऐप इन्फॉर्मेशन में, और उसी तरह से इस ऐप का भी जो आपको क्लियर कैश और क्लियर डेटा कर देना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो तो मेरा जो सिक्योरिटी ऐप है वो ऑलरेडी जो है अपडेटेड है। तो आपको भी चेक कर लेना है कि आपके फ़ोन में ये अपडेटेड है कि नहीं। अपडेट करने के बाद गाइस आपको अपना फ़ोन रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आपको जाना होगा बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड में जाना होगा। यहाँ पर मैं चलता हूँ बैटरी एंड परफॉर्मेंस मोड में। यहाँ पर आप देख सकते हो मेरा जो परफॉर्मेंस मोड, बैलेंस मोड और बैटरी सेव मोड है ऑलरेडी जो इनेबल्ड है, और मैंने जो इसको पहले से इनेबल कर रखा है। और आप जो इसको इस तरह से इनेबल करके यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने परफॉर्मेंस मोड पे स्विच किया यहाँ पर जो है टोटली ब्लू हुआ, और जैसे मैंने सेव पावर पे क्लिक किया यहाँ पर जो है येलो हो चुका, यानी कि मेरा जो बैटरी वो थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से काम करेगा और कम परफॉर्मेंस जो है बूस्ट करेगा। यहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में भी आप देख सकते हो यहाँ पर जो है परफॉर्मेंस मोड आपको देखने को मिला है। यहाँ पर जैसे ही मैं परफॉर्मेंस मोड में स्विच करता हूँ यहाँ पर जो आपको ब्लू देखने को मिलता है, यानी कि आपको जो फ़ोन है वो पूरा पावर लगा रहा है अपना। तो यहाँ पर जो है जैसे ही आप नोटिफिकेशन पैनल से अगर स्विच करना चाहते हो तो यहाँ पर जो आपको इसको ऐड करना होगा परफॉर्मेंस मोड को, आपको एडिट में जाना होगा, ऐड कर देना। वहाँ से आपको जब परफॉर्मेंस मोड हो वहाँ पर नोटिफिकेशन पैनल में ऐड हो जाएगा, और जब भी आप कोई गेम वगैरह खेलते हो तो यहाँ पर जो इसको इनेबल कर सकते हो। और गाइस यहाँ पर अगर आपका इनेबल नहीं होता तो मैंने जो है सिक्योरिटी ऐप का लिंक दिया, वहाँ से जाके जो है आपको नया सिक्योरिटी ऐप को इंस्टॉल कर लेना है, अपडेट कर देना है। टेलीग्राम में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो। और इंस्टॉल करने के बाद सिक्योरिटी ऐप को आपको अपना फ़ोन जो एक बार रीस्टार्ट करना है, उसके बाद जो है चेक करना है कि आपके फ़ोन में ये सपोर्टेड है कि नहीं। तो गाइस यही था आपके लिए वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लेना। गाइस मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।